बी की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी ऑटो यूनियन के अध्यक्ष श्री राजेंद्र सोनी जी के पास मिलने के लिए जा रहे हैं। जी हाँ, हाल फिलहाल चालान सिर्फ बाइक टैक्सी के नहीं हो रहे हैं, ऑटो के भी हो रहे हैं, कैब के भी हो रहे हैं। कि अब हम सिर्फ बाइक टैक्सी के लिए वीडियो नहीं बनाएंगे, अब हम ऑटो के लिए भी बनाएंगे, हम कैब के लिए भी बनाएंगे, हम ई रिक्शा जो रजिस्टर्ड है उनकी समस्याओं के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? तो लीजिए, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके कुछ भ्रम दूर करना चाहते हैं और कुछ पीछे की यादें ताजा करना चाहते हैं, ताकि अभी हाल फिलहाल जो चालान हो रहे हैं, जी हाँ, हाल फिलहाल चालान सिर्फ बाइक टैक्सी के नहीं हो रहे हैं, ऑटो के भी हो रहे हैं, कैब के भी हो रहे हैं, हर किसी के चालान हो रहे हैं। और सिर्फ कारण क्या है? कंपनियां। जी हाँ, कारण क्या है? सरकार। एक्चुअल में लड़ाई कंपनियों और सरकार की हो रही है और भुगतना आपको और हमको पड़ रहा है। अब हो क्या रहा है अभी वर्तमान में? ये कंपनियां सरकार को बोल रही है कि आपने जो पॉलिसी बनाई है भाई, वो पॉलिसी हमें पसंद नहीं आ रही है। इसलिए ये सारी कंपनियां जो आज तक एक दूसरे से कंपटीशन कर रही थी, ये सब एक हो गई। हिंदुस्तान की एक न्यूज के अंदर साफ साफ बताया गया है कि 600 से ज्यादा कंपनियां एकजुट हो गई हैं, एक संगठन बना लिया है और गवर्नमेंट पर दबाव डाल रही हैं, और गवर्नमेंट को बोल रही है हमें 45 दिन का और समय दीजिए। और गवर्नमेंट भाई किसी के आगे झुकती नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला कि हमने आपको बहुत टाइम दे दिया, अब टाइम नहीं देंगे, अगर आप एप्स चलाओगे तो हम आपके पार्टनर को पकड़ेंगे, उनका चालान काटेंगे। ठीक है भाई, मान लिया कंपनी की और सरकार की लड़ाई हो रही है, तो भाई वो कानून कहां गया जिसके अंदर ये कहा गया था कि जब भी कोई पार्टनर पकड़ा जाएगा उसका 5,000 का चालान पहली बार होगा, दूसरी बार अगर पकड़ा जाएगा तो 10,000 का चालान और हो सकता है 1 साल की जेल। ये बातें हमने आपको वीडियो में बता रखी है पीछे, अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा। और साथ में एक बात और जोड़ी हुई थी कि जिस कंपनी का ऐप चला रहा होगा ड्राइवर, उस कंपनी पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। तो भाई इतने सारे चलान हो गए, रिपोर्ट के अनुसार 100-150 चलान हो गए, तो इस हिसाब से तो भाई 100-150 बार 1,00,000 रुपए का चलान इन कंपनियों का भी होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा। कोई ये क्यों नहीं पूछ रहा है भाई कि नियम सिर्फ हम जैसे लोगों के लिए क्यों है, हम जैसे गरीब लोगों के लिए क्यों नियम बना दिए इतने कठोर कठोर, इन जैसे अमीर कंपनियों पर वो नियम लागू क्यों नहीं हो रहे हैं? एक कैब वाला जो 8,00,000-10,00,000 की गाड़ी लेता है, महीने की उसकी 20,000-18,000-25,000 रुपए इंस्टॉलमेंट भरता है, उसका आप 10,000-10,000 रुपए का चलान काट देते हो, पहले उससे पूछ तो लो। दिन भर सीएनजी फूकने के बाद वो 1,000-1,500 रुपए बचा रहा है और आप 10,000 का चलान काट रहे हो। इसी तरीके से बाइक वाला बेचारा दिन भर धूप बारिश गर्मी में झेल रहा है, उसके बावजूद आप उसको पकड़ लेते हो और पकड़ने के बाद 5,000 का उसका चलान काट देते हो। अरे काटना है तो साथ में उस कंपनी का भी काटो ना, जिसका ऐप उसके फोन के अंदर है, जो आपने मेंशन किया है चालान के अंदर 1,00,000 का चालान, उसका भी काटो, तब उन कंपनियों को भी पता चलेगा। वहां आपकी दाल नहीं गल रही है, वहां आपकी हिम्मत नहीं हो रही है। और एक बात बता दूं आपको भाई, ये चालान ऑटो वालों का भी कट रहा है, क्योंकि ऑटो वाले भी ओला उबर इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं भाई, सारे ऑटो वाले भी ओला उबर रैपिडो इस्तेमाल करते हैं, तो अगर वो भी चेकिंग के दौरान पकड़े जा रहे हैं तो उनका भी चालान कट रहा है। आज के टाइम में कोई भी ड्राइवर नहीं बच रहा है, चाहे वो ऑटो हो, चाहे वो बाइक टैक्सी हो, चाहे वो कैब हो। कैब वालों का चालान इसलिए काटा जा रहा है कि भाई आप नेशनल परमिट आपने ले रखा है और आप दिल्ली दिल्ली में काम क्यों कर रहे हो, तो भाई ये ऐप कंपनियों ने उनको अटैच क्यों कर दिया? अब इन सब मुद्दों पे कोई आवाज नहीं उठाई जा रही है। देखा ये जा रहा है कि बाइक टैक्सी वाले ऑटो वालों को बोल रहे हैं कि यार इनकी वजह से चालान कटा है, तो कोई किसी पे इल्जाम लगा रहा है, कोई किसी पे इल्जाम लगा रहा है, असल मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो हम आप सबको बता रहे हैं कि भाई जिस तरीके से इन कंपनियों ने अपना एक संगठन बना लिया और एक साथ सरकार के ऊपर दबाव बना दिया है, उस तरीके से आप लोग क्यों नहीं इकट्ठा होते हैं? चाहे ऑटो वाला हो, चाहे बाइक वाला है, चाहे कैब वाला है, इन सबको भी इकट्ठा होना चाहिए, तभी आपकी आवाज भी बुलंद होगी। नहीं तो इसी तरीके से लड़ मर जाओगे, कोई सुनने वाला नहीं है। ये कंपनियां जैसी है ना वैसी ही रहेंगी, 45 दिन तक आपकी हालत खराब हो जाएगी, आपके चलाने से कटते रहेंगे, आप काम छोड़ छोड़ के भाग जाओगे, आपके ऊपर किस डी हो जाएगी, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सरकार कानून के हिसाब से पालन करवा रही है, बस गलती ये है कि जब भी चालान काटा जा रहा है आपका, उस वक्त सरकार को कंपनी का भी चालान काटना चाहिए, तब दबाव बनेगा हकीकत। क्या कहना है आपका और क्या कहना है ऑटो यूनियन का इस बारे में? देखिए, इसके बारे में भी जानकारी जरूरी
होनी चाहिए। और भाई हमने अपने पीछे की वीडियो में बता दिया था कि अब हम सिर्फ बाइक टैक्सी के लिए वीडियो नहीं बनाएंगे, अब हम ऑटो के लिए भी बनाएंगे, हम कैब के लिए भी बनाएंगे, हम ई रिक्शा जो रजिस्टर्ड है उनकी समस्याओं के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो इन्हीं समस्याओं को जानने के लिए हम कल दिल्ली की सबसे बड़ी, जी हाँ दिल्ली की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी ऑटो यूनियन के अध्यक्ष श्री राजेंद्र सोनी जी के पास मिलने के लिए जा रहे हैं। उनके विचार भी हम जानेंगे और जो भी चीज होगी भाई वो आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी कि राजेंद्र सोनी जी का इस मुद्दे पर क्या कहना है। तो जो भी भाई भाई इस वीडियो को देख रहा है तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं कर रखा है, क्योंकि कल राजेंद्र सोनी जी के साथ मिलने के बाद हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि भाई जो बाइक टैक्सी वालों के मन में मुटाव हो रखा है ना ऑटो वालों के लिए, और जो ऑटो वाले के मन में मुटाव हो रखा है बाइक टैक्सी वालों के लिए, ये शायद दूर हो जाएगा। बाकी कैब यूनियन के साथ भी हम जल्द ही मीटिंग करेंगे, उनसे भी इन्हीं समस्याओं के ऊपर बात करेंगे और उनको भी समझाएंगे कि असल में हमें विरोध किसका करना चाहिए, आपके हिसाब से विरोध किसका करना चाहिए, सरकार का जो कानून का पालन करवा रही है या कंपनियों का जो कानून मानने को राजी नहीं है। आप अपने कमेंट्स हमें यूट्यूब के अंदर जरूर दीजिएगा ताकि हम भी तो पढ़ें और समझें कि आपका दिमाग क्या कहता है इस विषय में। चलिए आपका ज्यादा समय खराब नहीं करते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं और इस वीडियो को करते हैं खत्म और जाते जाते आपसे कहते हैं जय हिंद जय भारत।